बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जवाब सर्विस पाकिस्तान में खुश आमदी। दोस्तों बात करते हैं हम पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। दोस्तों जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब्स आई हुई हैं रिलीजियस टीचर की और बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, इसके अंदर आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का सिंपल मेथड है, आपके पास कम से कम ब्राउज़र होना चाहिए, क्रोम का क्रोम ब्राउज़र। उसके बाद आपने सिंपल ये तीन डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना है डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस इस तरह ओपन होगा, आपने इसको एग्री कर देना है। तो सिर्फ आपने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एयरमैन एंट्री 1908। सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिक्वायरमेंट पूछेगा कि आप लोग टेक अ प्रिंट, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया तो यहाँ सर आप अपनी आपकी स्लिप आ जाएगी। और अगर आप फ्रेश हैं अप्लाई करने हैं तो आपने सिर्फ अपने इंटर सी एन एस पे क्लिक करना है। जैसे आप सी एन एस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एन आई सी आएगा, मतलब कि आपने अपना एन आई सी इंटर करना है। सॉरी, इंटर जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। जैसे आप अपना एन आई सी इंटर करेंगे, आप लोग फ्रेश हैं, उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपसे अगेन रजिस्ट्रेशन पूछेगा कि भाई अच्छे पहले से पढ़ लें, ये सारी चीज़ आपके पास हो, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, अदरवाइज़ आप लोग इसमें अप्लाई ना कर पाएंगे। सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा ये टर्म्स और कंडीशन आ जाएंगे। इसकी कंडीशन है, ये सारी आपने पढ़ लेनी है, तरीकेकार है जो सिस्टम है, आपने कंप्लीट रीड कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जॉब्स का इंटरफेस इस तरह ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने वो सिलेक्ट करनी है। जिस तरह भी हमने अप्लाई करना है रिलीजियस टीचर के अंदर, तो सिर्फ आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी कंप्लीट डिटेल के साथ जॉब शो हो जाएगी। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 से 28 ईयर तक, कंप्लीट डिटेल आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट हों किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो ये सिंपल और ईजी मेथड है। आप लोग अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी कंप्लीट डिटेल वाला इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों सिर्फ ये आपने ईजी मेथड के अंदर इन नेक्स्ट सेटअप पर क्लिक करते जाना है। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है और आप लोग घर बैठे जो भी हो इसके अंदर बआसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि सेंटर सिलेक्टर सिलेक्ट सेंटर है जहाँ पे आप तैनात किए जाएंगे, जहाँ पे आपने जॉब करनी है अपने वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कैटेगरी जो आपकी है वो, सिलेक्ट ब्रांच जो आपका पोस्ट हो, उसके बाद सी एन एस सी, फादर नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर मेल फीमेल, हाइट, सिलेक्ट रिलीजियन, सिलेक्ट मेडल स्टेटस, डोमिसाइल, फादर ऑक्यूपेशन, आपके वाले साहब का नाम, काम क्या है, एड्रेस, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तहसील, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़, क्वालिफिकेशन, मेजर सब्जेक्ट, मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, ये सारी आपने फिल कर गया। उसके बाद आपने जनरेट स्लिप पे क्लिक कर देना है। आप बआसानी से नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे और इन सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों चलो, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी। दो में याद, अल्लाह हाफिज़।